इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज़ का चावलों का गिलास। मैं ये वाला गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, एक कप मटर, चार दरमियाने साइज़ के आलू, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। मसाले जो मैं डालूँगी वो 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पीसा हुआ, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाले में मैं डालूँगी लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। पहले एक कढ़ाही लें, उसमें ऑयल डालें। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो प्याज डाल दें। प्याज को ब्राउन करके उसमें आप आलू और टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लें। अब देखें टमाटर गल गया है और इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हम साथ ही हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। अब साथ ही बाकी के मसाले भी डाल देंगे। नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और इन सब को भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद इसमें मटर डाल दें। मटर डालने के बाद साथ ही पानी डाल देना है। पानी आपने 1.5 ग्लास डालना है और तब तक इनको पकाएं जब तक आलू और मटर गल ना जाएं। अब देखें आलू और मटर गल गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। अब पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और साथ ही येलो रंग डालकर दम पर लगा देंगे। दस मिनट के बाद मैंने चावल चेक किए हैं। चावल तैयार हैं। अब डिश में डालें और सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।